गुड मॉर्निंग गाइस, आपका इस चैनल द रॉयल ब्लेजर 2.0 में स्वागत है भाई। करते हैं इसे अपना ब्लॉग स्टार्ट आज का। भाई मैं जा रहा हूँ फादर साहब को लेकर के हॉस्पिटल हमीरपुर। तो मित्रों, फादर साहब को छींक आ गई, 1.5 महीना हो गया चेकअप के लिए बुलाया है डॉक्टर साहब ने। तो भाई स्किन के थोड़ा टेस्ट वगैरह होना है, ब्लड टेस्ट वगैरह। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है वैसे तो देखा जाए तो 1.5 महीने के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। और भाई सुबह ही निकल गया था मैं अंधेरे में 5 बजे घर से, और आधे रास्ते में एक ट्रक ख़राब था और जाम लगा हुआ था भाई। खुद रोड बनाया, हल्का हल्का पत्थर वगैरह गड्ढे गुड्ढे में डाले, उसके बाद अपनी गाड़ी निकाली रात को ही। फिर आगे धर्मपुर में भाई चाय वगैरह पिया और वहाँ पर एक आध घंटा रेस्ट किया, ऐसे बैठ करके बातें की अपने जान पहचान के लोग थे। और भाई अभी मैं उस सरका घाट से पीछे ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ भाई, बुरी हालत है रोड की। तो मिलते हैं आगे हॉस्पिटल में ही, और साथ में सगुन। तो बीच में अगर कुछ अच्छा हुआ दिखाने के लिए तो भाई दिखाऊंगा। और मित्रों रोड कुछ ऐसा है, अभी थोड़ा साफ रोड आ गया भाई, सरका घाट तक तो हालत खराब हो गई। इतना गंदा रोड था सरका घाट तक कि पूछो ही मत। तो भाई ये सरका घाट का एरिया स्टार्ट है, ये कहीं से मंडी की ओर भी निकल जाता है रोड। ये देख लो, ये है भाई मंडी के लिए इस तरफ। और हम पहुंचे भांवला चौक में। भांवला यही है भाई, यहीं से ये वो क्या बोलते हैं उसको, कंगना रणावत जो है हीरोइन जो है भाई बॉलीवुड की, तो यहीं से ही है भांवला से। उसका घर भी है यहाँ पर, पुश्तैनी घर। मित्रों मैं अभी पहुंचा हॉस्पिटल में, अभी डॉक्टर साहब आए हुए नहीं है, अभी बन भी रहा है। और फादर साहब जो है चल रहे हैं अभी, थोड़ा सा भी रिकवरी तो है वैसे देखा जाए तो। हॉस्पिटल में और सगुन तो गाड़ी के अंदर ही है, और फादर को थोड़ा मैं वॉक करा रहा हूँ सुबह सुबह की 150 कदम। वैसे चलने को तो 1 किलोमीटर भर भी चल पड़ेंगे, बट थोड़ा कमजोरी की वजह से चल नहीं पा रहे हैं उतना। तो अभी डॉक्टर साहब आएंगे 10 बजे, उसके बाद ही इनका चेकअप होगा। बाकी पूरा स्टाफ तो आ गया है। मित्रों तो दवाइयाँ वगैरह ले ली भाई, और टेस्ट वगैरह आ गए, उतने भी ठीक नहीं हुए हैं टेस्टों के अनुसार, बट चलो फिर भी काफ़ी रिकवरी है। और भाई अभी मैं वापिस हो रहा हूँ घर की ओर, अभी हूँ मैं जाहू से आगे। और भाई रोड में खाली है, संडे का दिन है भाई, पेट्रोल भी लेना था बट आगे से लेते हैं। कहाँ कट मार रही है ये दीदी, थोड़ा सा भाई चलाने का तरीका ही नहीं है भाई इस औरत का, ऐसे ही कट मार रही है, कभी आगे आ रही है कभी पीछे आ रही है। इसकी वजह से गलतियां हो सकती हैं किसी और से भी, सीधे आ रही है भाई कट मार के ऐसे। देख 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 यार, बड़ी बेवकूफ थी ये। एक बार तो मेरे भाई राइट साइड में आ गई बिल्कुल ही टायर के आगे। और भाई मस्त रोड है, बढ़िया, भगा नहीं रहा हूं मैं गाड़ी भाई, देख लो यही है 50-60 50-60। ये क्या कुत्ता, ये से माही कह लगा हुआ स्कूल में, सर ने कुत्ता भोंक रहा है भाई, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे हो रहा था। हाँ सगुन धर्मपुर रह गया 24 किलोमीटर, और लंच करेंगे भाई हम धर्मपुर में। और ये आ गया चाटीसी की वर्कशॉप,
भाई देख लो सर का घाटे ऐसा है कुछ। खाली पड़ी हुई है मार्केट, बंद पड़ी हुई है भाई। सब्जी भी लेनी घर के लिए, तो रास्ते में देखेंगे मिली कहीं पर। तो डॉक्टर साहब ने बताया जिमीकंद अरबी दे सकते हैं, अखरोट अखरोट और अंजीर। और भाई मैंने तो एक काम सीखा हुआ है, रात को भी चलता हूँ मैं, कई बार गाड़ी में से उतरो मत रात को। बस एक आपका ये हथियार है, गाड़ी जो है आपके हाथ में हथियार है ये। अगर कोई भी आपको गलत तरीके से रोकने की कोशिश करता है और गाड़ी क्या कह जाता है, भाई उड़ा दो, मैं तो बोलता हूँ उड़ा दो सीधे, बाद की बात में देखी जाएगी, उड़ा दो सीधे। अगर कोई आपको गलत तरीके से रोकने की कोशिश कर, आपके साथ भाई छोटे बच्चे होते हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं, औरत होती है, या कोई परिवार चला हुआ होता है, अगर कोई गलत हो जाए तो भाई कौन जिम्मेवार है। इसलिए भाई रोको ही मत गाड़ी को। और भाई आजकल किसी को ज्यादा लिफ्ट भी नहीं देनी चाहिए रात को, कई बार होता है ऐसा लड़की आपका फायदा उठा लेती है, वैसे हाथ देगी और आप रुक जाएंगे, लेकिन कब चार बंदे दो तीन बंदों ने आपकी गाड़ी को घेर लिया और चढ़ गए अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो तो एक मोहरा होता है। तो भाई बी केयरफुल और ढंग से गाड़ी चलाया करो भाई मित्रों। भाई बंदा ही भीग गया यहाँ से टायर से पिचड़ से मेरे हाथ में। मित्रों तो मैं आ गया अभी हॉस्पिटल से, अभी पहुंचा हूँ मैं बसाईधार, और ये पीछे माता का मंदिर, और अगुन और फादर साहब हैं भाई गाड़ी के अंदर बैठे हुए, अभी कुछ बर्गर वगैरह खाएंगे। सगुन की डिमांड है बर्गर वगैरह खाने की, तो ढूंढते हैं कहीं पर कहाँ मिल गए हम बर्गर। सगुन खा रही है दो दो बर्गर और उसका दादू खा रहा है गच्चक गच्चक। आज की जर्नी आज समाप्त हुई, मैं जस्ट अभी पहुंचा घर में, 4 बज रहे हैं भाई। थोड़ा जोगिंद्र नगर भी जाना पड़ा बसाईधार से, करीबन कोई 60 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रन हो गया, और जस्ट अभी पहुंचा मैं। सगुन को भी भेज दिया सब्जी वगैरह लेकर के, घर के लिए चले गई, और अभी मैं गाड़ी को पार्क कर रहा हूँ, गाड़ी पार्क करूँगा फिर घर जाऊँगा, उसके बाद फादर साहब की मालिश करूँगा, उनको दोपहर की मेडिसिन ही दी हुई है बट 4 बजे दे दूँगा मैं अभी, और उसके बाद डिनर का इंतजाम करेंगे आज, और आज हम डिनर में बनाएंगे पनीर। मित्रों तो ये कुछ आज सब्जी है, फ्रांस बीन, पनीर, प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक। तो भाई पहले तो पनीर को रखते हैं साइड में, और सबसे पहले काटते हैं हम प्याज।
तो मित्रों आज का ब्लॉग कुछ ऐसा रहा, बड़े दिनों बाद शूट हुआ आपके लिए ये ब्लॉग भी, 7-8 दिनों बाद। तो मित्रों अगर ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने पर। हाँ मोटिवेशन मेरे को जरूर मिलेगी उससे आपके लिए, ऐसे ही या इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने के लिए मैं प्रेरित होऊंगा इससे, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो भाई हौसला बढ़ता है इससे, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका कोई एक रुपया नहीं जाएगा। हाँ मेरे को कुछ इससे एक हेल्प ऐसी हो जाएगी कि मैं एक हौसला आ जाएगा आपके लिए रोज ब्लॉग बनाने का। तो भाई ठीक है, सोते हैं अब आराम से और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।